इस पाठ में हम ट्रांसमिशन की डिस असेंबली के बारे में सीखेंगे। वाहन को समतल जमीन पर पार्क करें, पार्किंग ब्रेक्स लगाएं और पहियों तले ऊटी लगाएं। ड्रेन प्लग के पास तेल रिसाव की जांच करें। ड्रेन प्लग और आसपास की जगह साफ करें। ड्रेन प्लग निकालें। तेल गर्म स्थिति में ही ट्रांसमिशन से निकालें। हाउसिंग और प्लग के थ्रेड साफ करें। स्ट्रेनर को धोएं या बदल दें। आवश्यक हो तो वॉशर भी बदल लें। चेन और हॉइस से ट्रांसमिशन को ऊपर उठाएं और ओवरहॉलिंग स्टैंड पर माउंट करें। हवा की ट्यूबों के छोरों पर चिन्ह लगाएं। हवा की ट्यूब को प्रेशर रेगुलेटर, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व और शिफ्ट सिलेंडर से अलग करें। क्लच हाउसिंग के नट्स निकालें। क्लच हाउसिंग को सॉफ्ट मैलेट से टैप करके निकालें। प्रेशर रेगुलेटर के माउंटिंग ब्रैकेट का बोल्ट निकालें। प्रेशर रेगुलेटर सहित माउंटिंग ब्रैकेट को निकालें। ट्रांसमिशन को न्यूट्रल करें। तीन स्विचों को निकालें। न्यूट्रल और रेंज इंडिकेटर स्विच बोर्ड से एक एक गोली मैग्नेट से निकालें। स्पीडो सेंसर को निकालें। LRC के बोल्ट्स निकालें। इसे ट्रांसमिशन से अलग करने के लिए सॉफ्ट मैलेट से टैप करें। फ्लांज होल्डिंग रिंच और सॉकेट से नैलॉक नट को ढीला करें, निकाले नहीं। फ्लांज होल्डिंग रिंच निकाल दें। चेतावनी: रियर केस को आउटपुट शाफ्ट पर बेयरिंग में सरकने न दें, अन्यथा रेंच सिंक्रोनाइजर के पुर्जे बिखर सकते हैं। ट्रांसमिशन घुमाकर पिछला छोर ऊपर करें। रियर केस के बोल्ट्स निकालें। लिफ्टिंग टैकल और हॉइस्ट से रियर केस असेंबली उठाएं। रियर केस को इंटरमीडिएट केस से अलग करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सॉफ्ट मैलेट प्रयोग करें। चेतावनी: प्राई बार्स प्रयोग न करें। पेचकस या किसी अन्य टूल से न कटाएं, क्योंकि इससे केस के कॉन्टैक्ट सरफेस पर खरोंचे आ सकती है। सन गेयर न घूमे, इसलिए रिटेनर टूल लगाएं। बोल्ट और रिटेनर को निकालें। पहले सन गेयर और फिर ऑयल मफ को, या आवश्यक हो तो दोनों को एक साथ ऑयल मफ के नीचे पकड़ते हुए पुलर से निकालें। ध्यान दें सीलिंग रिंग खराब ना हो। ऑयल पंप के बोल्ट्स और प्लेन और स्प्रिंग वॉशर्स निकालें। लग्स के नीचे प्राई बार या ड्रेन प्लग बोर में लीवर का प्रयोग करते हुए ऑयल पंप को डावलों से उठाएं। बेयरिंग की थ्रस्ट रिंग निकालें। रिवर्स आइडलर सर्किल को निकालें। रिवर्स आइडलर शाफ्ट के अंदर स्लाइड हैमर को कसें। रिवर्स आइडलर शाफ्ट को निकालें। बोल्ट्स और रिवर्स आइडलर कवर निकालें। रिवर्स आइडलर गियर, दो थ्रस्ट वॉशर, बेयरिंग और स्पेसर एक साथ निकालें। रिवर्स आइडलर गियर, दो थ्रस्ट वॉशर्स, बेयरिंग और स्पेसर को अलग अलग करें। मैग्नेट से इंटरलॉक पिन को रेंच स्विच बोर से निकालें। ट्रांसमिशन को पलटाएं। दो स्क्रूज और स्प्रिंग वॉशर निकालें। न्यूट्रल डिटेंट प्लंजर कवर और गैसकेट को निकालें। न्यूट्रल डिटेंट स्प्रिंग और प्लंजर को निकालें। फ्रंट बेयरिंग कवर के बोल्ट निकालें। लेशाफ्ट के अगले बेयरिंग से स्पेसर और शिम्स निकालें। इनपुट शाफ्ट को ढीला करने के लिए उसे सॉफ्ट मैलेट से टैप करें। इनपुट शाफ्ट को पैर
बैंक से फ्रंट केस से बाहर खींचे। सिलेक्टर ब्लॉक को एक और करें ताकि फ्रंट केस को उठाते समय ये ना अटके। फ्रंट केस के बोल्ट्स और नट्स निकालें। कम लंबाई के बोल्ट्स की जगह नोट करें। फ्रंट केस को अलग करने के लिए इसे सॉफ्ट मैलेट से टैप करें। चेतावनी: अलग करने के लिए प्राई बार्स और चिजल्स का प्रयोग न करें, अन्यथा कॉन्टैक्ट सरफेस खराब हो सकते हैं। पायलट बेयरिंग निकालें। थर्ड गियर के नीचे लिफ्टिंग टैकल लगाएं। मेन शाफ्ट असेंबली को 10 से 20 मिलीमीटर ऊपर उठाएं। ले शाफ्ट को मेन शाफ्ट से दूर हटाएं। ले शाफ्ट को उठाकर बाहर रखें। मेन शाफ्ट और सिलेक्टर शाफ्ट को एक साथ ऊपर उठाएं। सिलेक्टर शाफ्ट असेंबली को मेन शाफ्ट से अलग करें। मेन शाफ्ट के रियर बेयरिंग के आउटर रेस को इंटरमीडिएट केस से बेयरिंग रिप्लेसर और ड्राइवर से बाहर निकालें। उसे नीचे ना गिरने दें। आवश्यक हो तो ओ-रिंग को बोर से बाहर निकालें। ले शाफ्ट रियर बेयरिंग कप को बाहर करें। आवश्यक हो तो एक ड्राइवर से कप प्लग को केस के अंदर से बाहर की तरफ निकालें। आवश्यक होने पर टूल से फ्रंट केस के सिलेक्टर शाफ्ट बुश को बाहर से अंदर की ओर निकालें। इंटरमीडिएट केस में से सेलेक्टर शाफ्ट बुश को पीछे से आगे की ओर बाहर निकालें। टूल से ले शाफ्ट के फ्रंट बेयरिंग कप को बाहर निकालें। आवश्यक होने पर बुश एक्सट्रैक्टर और स्लाइड हैमर से इंटरमीडिएट केस से रेंच शाफ्ट बुश निकालें। इसके साथ हमने मेन ट्रांसमिशन की डिसअसेंबली सीख ली है।